सो गाइस, पहली बार टास्क के दौरान निक की हो गई काफी लाचार, जिसे देखकर पैडी काफी खुश हुआ और ऐसा ही कुछ हमें कल के एपिसोड में भी देखने को मिला, जहां पर सबसे पहले डीपी अंकिता को यह कहता है कि कल के कैप्टनसी वाले टास्क में मेरे 70-80% चांसेस थे कि मैं घर का नया कैप्टन बन सकता था। जिसके बाद फिर अंकिता डीपी से ये पूछती है कि आर्या को क्या सजा मिलेगी, इस पे डीपी ये कहता है कि मुझे लगता है कि 100% आर्या को बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया जाएगा। तो दूसरी क्लिप ये दिखाई जाती है कि जहां पर पैडी अभिजीत को ये कहता है कि कैप्टन वाले टास्क के दौरान निकी काफी लाचार दिखाई दे रही थी और चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पता है कि वो कैप्टन बन नहीं सकती और हम अरबाज को कैप्टन बनने नहीं देंगे। और कल निकी का चेहरे पे रंग भी उड़ा हुआ था और मुझे वो देखकर काफी मजा आया। और गाइस, हमको भी ऐसा देखकर लगा था कि कैप्टनसी वाले टास्क में निकी काफी लाचार पड़ गई थी, क्योंकि टीम बी ने उसको मनी के आसपास भी आने नहीं दिया, जिसे देखकर निकी काफी गुस्से में आ गई थी। तो दूसरी ओर अरबाज से भी उस टास्क के अंदर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं बिग बॉस के एपिसोड्स को देखकर ऐसा लगता है कि टीम बी अब काफी स्ट्रांग होती जा रही है और निकी जो पहले काफी स्ट्रांग प्लेयर थी, अब वो उतनी स्ट्रांग लगती नहीं है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर के अंदर कौन सी टीम सबसे ज्यादा अच्छा गेम खेल रही है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।